बनारस के 80 घाट पे होली खेली जाती हुई। लोग यहाँ पे रंग खेलने के बाद रस्सी खींच रहे हैं। बहुत उल्लास में होली यहाँ पे मना रहे हैं लोग। गुजिया उजिया खाए हैं? होली के शुभ अवसर पर जब पूरा बनारस होली का त्यौहार मना रहा था, तो तुलसी घाट पर कुछ लोगों की जो लोग दारू पी के या किसी प्रकार का नशा करके आए थे, उनकी तुलसी घाट पर, गंगा के तुलसी घाट पर, घाट पे गंगा जी में डूबने से मृत्यु हो गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये NDRF की टीम है। ये लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और 3-4 घंटे तक इन्होंने ढूंढा, परंतु ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद पुलिस भी लगी रही, भारी मात्रा में पुलिस भी लगी थी। फिर पुलिस की टीमों द्वारा NDRF की टीम द्वारा मल्लाहों को बुलाया गया और दो मल्लाहों ने 2-3 मिनट के अंदर ही जो शव थी उसको निकाल के ले आए। और ये 3-4 घंटा ढूंढ रहे थे पुलिस, NDRF की टीम, इनको ढूंढने में सफलता नहीं मिली। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हुई थी, बहुत भारी भीड़ थी, और लोग जो होली खेलने आए थे। फिर उसके बाद जिस लड़के की मृत्यु होती है उसकी माँ काफ़ी पहले आ गई थी, उनको सूचना दी गई होगी, और वो रो रही थी, और उनके साथ तीन दोस्त जो है ये होली मना रहे थे, साथ में थे। फिर एक दोस्त को तो बचा लेता है दूसरा दोस्त, लेकिन तीसरे को नहीं बचा पाता है। फिर जब उनकी माँ आती हैं तो वो उसी दोस्त पे ही कहती हैं कि तुम लोगों ने नहीं बचाया, और क्रोध करती हैं उन पे ही। फिर बाद में पता चलता है कि जो ये तीनों लोग थे, ये एक ही परिवार से थे, मतलब चाचा के इस तरह का कज़िन थे, चचेरे भाई थे। तो जब दोनों तरफ से परिवार आ गए तो आपस में ही एक दूसरे के ऊपर गोली चलवाने की बात होने लगी। बाद में पुलिस ने मामले को संभाला और मामला ठीक ठाक हुआ, और लोग रो रहे, 3-4 घंटे से लगातार NDRF की टीमें ढूंढ रही थी, फिर मल्लाहों ने ढूंढ दिया शीघ्र ही, और पुलिस समझा रही थी उन्हें। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भी होली खेलते हैं, या यदि आपके बच्चे हैं तो होली खेलते हैं, तो होली रंगों से खेलें, फूलों से खेलें, जीवन से ना खेलें, दारू पी के ना जाए, क्योंकि घाट पे अधिकतर लोग बता रहे थे उनके बच्चे दारू पीते हैं।